ये देख के तो जरूर आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा ना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कढ़ाई ली है, पैन लिया है एक, उसमें मैंने तेल डाल दिया है और ये बारीक कटी हुई प्याज डाली है मैंने उसमें, और बारीक किए हुए लहसुन जो 3-4 कली मैंने ले ली थी वो डाल दी है, और ये शिमला मिर्च डाली है मैंने बारीक कटी हुई। हर प्रकार की मैं इसमें ये बेल पेपर डाल रही हूँ, येलो, रेड, और ये देखिए मैंने डाल दिए, कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका। और ये मैंने डाल दिए बेबी कॉर्न, कट करके रखे थे इनको। ये गाजर है बारीक कटी हुई, ये मशरूम है, ये बड़े साइज़ के मैंने 4 मशरूम लिए थे। ये कौन से है जो मैंने नमक के पानी में उबाल के रखे थे वो भी मैंने डाल दिए। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त कलर दिख रहा है इनका। तो ये सब मैंने डाल के अभी इनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और तीखे के लिए बारीक मिर्ची पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, और ये स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ी सी मैंने ब्रोकली बॉईल करके रखी थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। बहुत ही हेल्दी रहता है ये, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी सब्जियां मिक्स कर रहे हैं। तो ये सब डाल के हमको इनको थोड़ा फ्राई करना है। और फ्रेंड्स आपको याद दिला दूं, प्लीज़ अगर मेरी ये रेसिपी, कोई भी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो ये इसकी लजानिया की सब्जी तो बन के रेडी है, और ये आटा भी मैदा भी हो चुका है अच्छे से। तो इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे हम। तो मैं इसको मसल के रख रही हूँ अच्छे से, और इसके हमको लोइयाँ बनानी है तो हम इसको कट करेंगे। मैं तो चाकू से कट कर रही हूँ, हम हाथ से भी लोई बना के निकाल सकते हैं इसकी, लेकिन मैं इसको 4 इसमें भाग में कट कर रही हूँ। और जो एक को हम लोई बना के उसमें हम रोटी बनाएंगे ना, चपाती, बाकी के ये हैं उनको ढक के रख देना है, नहीं तो ये सूखने लग जाते हैं। तो ये देखिए चपाती में बनाने लग गई हूँ। उतना ही मैदा लिया है मैंने इसमें, और अभी मैं इसको बेल रही हूँ। पतली चपाती बनानी है, ट्रांसपेरेंट की हम इसके उठाएंगे और नीचे से हाथ रखेंगे तो ये हमारी फिंगर्स हमको दिखना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं पतला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमको इनको सुखाना है, अगर जाड़ा रहा तो ये सूखने में टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसको पतला ही बेलना है, और अगर ये ज़्यादा बन भी जाती है लजानिया शीट्स तो आप इनको एक एक शीट लेने का, उनके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के बटर पेपर रख के फिर उसके ऊपर शीट रख के, ऐसा करके आप एयरटाइट डब्बे में सब शीट्स रख सकते हैं कि कभी भी आप लजानिया बनाए तो ये शीट्स वापस काम आ सकती है। तो ये देखिए ये फिंगर्स मेरी दिख रही है इस प्रकार से, इतना पतला ही हमको इसको बेलना है। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ ट्राइंगल शेप में, क्योंकि मैं जो जिसमें लजानिया बनाऊंगी ना वो उतना ही बड़ा बर्तन है मेरे पास, तो इसीलिए मैं छोटी या बड़ी जैसे भी आप शीट्स कट करेंगे तो हमको तो वैसे भी कवर करना है सब्जी के ऊपर, इसको शीट्स को रखना है तो वो हो जाती है। तो ये देखिए मैंने ये कट कर लिए हैं और ये एकदम पतले हैं। और अभी मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैंने बटर पेपर रखा है और बटर पेपर के ऊपर ये शीट्स रख रख के उन पे मैं पलेथन डाल रही हूँ, सूखा आटा डाल रही हूँ और ये शीट्स रख रही हूँ क्योंकि हमको इसको इनको सुखाना है। तो मैंने 2 घंटे के लिए इनको ऐसे रख दिया था सुखाने के लिए पंखे में, तो हमको जितना सूखा चाहिए ये उतना तो ये हो चुकी है। बाकी तो बहुत कड़क आती है, मार्केट में आती है रेडीमेड, तो आप वो भी ले सकते हैं, ब्रेड के भी लज़ानिया बनते हैं, लेकिन मैंने घर में ट्राई किया है, घर में बनाया है। तो ये मैं इनको सूखने के लिए रख रही हूँ, ये मैंने इनको रख दिया है सूखने के लिए। फ्रेंड्स मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी तो मैंने 4 टमाटर बॉईल करके एक पैन में मैंने बटर डाला और उसमें मैंने लहसुन डाले थोड़े से कूच के, और फिर मैंने टमाटर की प्यूरी करके उसमें डाली, उसमें मैंने ओरिगेनो डाला और लाल मिर्ची पाउडर पाउडर डाल के, और वो चटनी मैंने बना ली थी। अभी ये शीट्स को मैंने एक कढ़ाई रखी थी, पानी उसमें गर्म हो चुकी थी तो उसमें ये शीट्स डाल दी थी और उनको निकाल के मैंने ठंडा कर लिया था। अभी जो ये टमाटर की चटनी मैंने बनाई है ये मैं ये इसमें जिसमें हम लजानिया बनाएंगे ना उसमें मैं फैला रही हूँ अच्छे से इसको,
तो ये रख दिया मैंने टमाटर की चटनी, इसमें डाल दी मैंने। और ये अभी मैं शीट से इनके ऊपर रख रही हूँ, चटनी के ऊपर। ये देखिए, इसको अच्छे से फैला देना है, पूरी शीट्स काम आ जाएगी। मेरी भी थोड़ी सी बच गई है तो मैंने उसको रख दिया है फ्रीजर में, एयर टाइट डब्बे में, कि बाद में कभी बनाऊंगी तो काम आएगी। ये देखिए, शीट्स मैंने रख दी है। फिर से मैं इसके ऊपर टमाटर की चटनी फैलाऊंगी। आपको तीखा चाहिए तो ये चटनी में आप और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। वैसे सब्जी में हमने चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च पाउडर डाला है तो वो तीखा रहेगा ही। और ये मैं व्हाइट पास्ता सॉस बनाया था मैंने, तो वो मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ टमाटर की चटनी के ऊपर वापस। और मैंने चीज़ ग्रेट करके रखी थी, चीज़ इसमें ज़्यादा लगती है तो फ्रेंड्स इसमें चीज़ ज़्यादा डालना है। और ये सब्जी बन चुकी थी, वो सब्जी मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। हेल्दी तो ये रहता ही है। एक खाली मैदे की शीट्स बनी हैं इसलिए थोड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सब्जी है तो हेल्दी तो है ये। बहुत सारी सब्जियाँ मैंने डाली है इसमें जो आप पहले देख चुके हैं। अभी मैं टमाटर की चटनी वापस ये सब्जी के ऊपर फैला रही हूँ, ये देखिए। और अभी मैं व्हाइट पास्ता सॉस फिर से इसके ऊपर फैलाऊँगी। वैसे ही थोड़ा प्रेस कर करके ये हम फैलाएंगे ना चम्मच से, तो ये फैलेगा नहीं तो इकट्ठा होने लगता है सब। अभी ये शीट्स रख रही हूँ मैं फिर से इनके ऊपर, पूरे में अच्छे से कवर कर देंगे इसको। मैंने व्हाइट पास्ता सॉस बनाया था उसके लिए मैंने पैन में बटर डाला था, और फिर मैं थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा डाल के, छोटी चम्मच, और वो बटर में मैंने उसको मैदे को सेका, और फिर दूध में मैंने उसको अच्छे से जितना हमको गाढ़ा चाहिए उतना मैंने बनाया। और उसमें मैंने ओरिगेनो डाला और काली मिर्ची का पाउडर डाल के, और ये व्हाइट पास्ता सॉस बन गया था जो लास्ट में मैं आपको बनाते हुए दिखाऊंगी। ये मैंने सब्जी वापस इसके ऊपर फैला दी है और चीज़ भी वापस इस मैंने इसमें डाल दी है। फिर से हम टमाटर की चटनी इसमें फैलाएंगे। ये देखिए, ये चीज़ है तो फैलाने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो थोड़ा चम्मच से प्रेस कर करके आप फैलाएंगे तो वो चिपकते जाता है। फिर व्हाइट पास्ता सॉस लगा दिया है और फिर से मैंने इसमें चीज़ रख दी है इसके ऊपर, और ये थोड़ी सब्जी बचा के रखी थी जो गार्निशिंग के लिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये ओरिगेनो में डाल रही हूँ एक आधा चम्मच, आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची पाउडर डाला है। मैंने प्री हीट के लिए पहले से कढ़ाई में नमक रख के रख दिया था, और ये हमारा लजानिया का कंटेनर इसमें रख के मैं थाली से कवर कर दूंगी। ये 12-15 मिनट में अच्छे से बन के रेडी है फ्रेंड्स। आप इसको जब ठंडा होने के बाद ही कट करना ये बन जाए तो, गरम गरम कट मत करना। मैंने गरम गरम कट कर दिया था क्योंकि मैं मुझे थोड़ा काम था, बाहर जाना था और वीडियो भी कवर करना था तो मैंने कट कर दिया था। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था फ्रेंड्स। आप लोग ट्राई कीजिए एक बार घर में, एक बार बनाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे बार बार बनाना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियोस, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए। और प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए मुझे, और जैसा भी हो कमेंट्स की नहीं पसंद आ रही है, आ रही है, जो भी हो, लाइक डिसलाइक जो भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।